So good morning everyone. Today I'm Himanshu Mishra. Welcome you all on the stage of BHU Student Life. Today we are going to discover a new place called Drishya Kala Sankaya, Faculty of Visual Arts, Banaras Hindu University. लोग बोलते हैं कि one of the best faculty है इंडिया में कला सीखने के लिए. कला पांच तरीके का सिखाया जाता है, मतलब आप ढेर सारी चीज़ों का आपको नॉलेज देंगे. हम आपको अंदर दिखाते हैं पहले जैसे कैसी बिल्डिंग है. आज के इस ब्लॉग में हम आपको सिर्फ बिल्डिंग दिखाने वाले हैं और एजुकेशनली बताने वाले हैं कि इस बिल्डिंग में एडमिशन लेने के लिए कितनी पापड़ बेलनी होती है, क्या मतलब सिलेबस क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, सारी आज डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए चलते हैं हम लोग. और ये जो रोड है मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपका कभी यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर यहाँ पड़ता है तो आपको बता दूँ कि कुछ दूर पे DRDO का कोविड लेवल 3 का हॉस्पिटल है. DRDO का ये सामने श्री रतेश्वर महादेव मंदिर है. बगल में क्या है भैया? भारत कला भवन है. तो यही लोकेशन है. इधर बगल में म्यूज़िक फैकल्टी है तो आप इधर म्यूज़िक सीखिए. उधर पूरा एक म्यूज़ियम है, आर्ट गैलरी है पूरी है. भारत कला भवन BHU की, भारत कला भवन पूरे भारत लगा है तो समझ सकते हैं भारत कला भवन. इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताने के लिए है नहीं. इसका ब्लॉग कभी और बनाया जाएगा. अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है इसलिए भारत कला भवन अंदर से नहीं दिखा सकते. आएंगे आज फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट. इस पर कुछ पेंटिंग बनी हुई थी, कुछ डिस्प्ले लगा हुआ था लेकिन डिस्प्ले मिट गया धीरे धीरे बारिश वारिश होने की वजह से, वेदर की वजह से. ये डिस्प्ले किसका लगा रहा होगा यहाँ पे? किसी सीनियर ने बनाया, ये उनका आर्ट है जो अभी टूट चुका है काफ़ी. हाँ, आइए अंदर, हम लोग अंदर चलते हैं देखते हैं. गेट बंद होने की वजह से हम लोग साइड से चलेंगे ही. मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ तो फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से. ये है एक BHU में जो वाटर इरीगेशन सिस्टम है, मतलब नालियाँ जिसको बोलते हैं, एकदम परफेक्शन से बनी हुई हैं. कभी कभी भी यहाँ पर बारिश का पानी जमा नहीं होता. दोस्तों ये ताला काफ़ी बड़ा लगा हुआ है, इस ताले की वजह से हमें वहाँ से डाक के आना पड़ा. साफ साफ बोल दे रहे हैं, इस फैकल्टी के प्रोफेसर को भी क्षमा चाहता हूँ. लेकिन हम लोग एक इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और भी आगे बढ़े. NIRF के रैंकिंग से नंबर 3rd पे आने वाली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नंबर 2nd पे आए, नंबर 1st पे आए. देखते हैं इसको आगे क्या दिखा सकते हैं आपको. हम लोग अंदर से चलने की कोशिश करेंगे. एक अच्छी गार्डनिंग की गई है और जितने भी ये ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे गार्डन में, ये ब्लॉक्स सारे ब्लॉक्स पे कुछ ना कुछ बना हुआ है. जैसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो ये रॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, स्कल्पचर बोलेंगे. क्रिएटिव स्कल्पचर. स्कल्पचर तो ये तो चलिए ठीक है, मेरे को भी पता था, दर्शकों को नहीं पता था, लेकिन इसको क्रिएटिव स्कल्पचर बोलेंगे. कितने तरीके के स्कल्पचर और होते होंगे? और जितना मैं जानता हूँ रियलिस्टिक स्कल्पचर होते हैं, क्रिएटिव स्कल्पचर होते हैं. और एक ये है, आप देख सकते हैं, एक अच्छी सी गार्डनिंग की गई है, बहुत शानदार सी गार्डनिंग की गई है. मैं आपको दिखा दूँ और जितना हरा भरा ये कैंपस है उसके सामने भी एकदम ढेर सारे पेड़ ऐसे ही लगे हुए हैं. और सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये पेड़ लगता है क्योंकि ये लाल कलर का एक अलग फूल मतलब इसमें से निकलता है और पूरे एनवायरनमेंट को एक अलग तरीके की महक मिलती है. फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी बड़ा फैकल्टी है. यहाँ के पेड़ में भी आपको आकृति देखने के लिए मिलेगी, मतलब हर जगह आर्ट है. इसके कोने कोने में आर्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं. आइए आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाते हैं, मतलब शानदार. पुराने ज़माने का पॉट है वो लगता है ना? पता नहीं, कुछ ऐसे स्कल्पचर होते हैं जिसको सिर्फ आर्टिस्ट ही डिस्क्राइब कर सकता है. दोस्तों ये जो स्कल्पचर है यहाँ से ये टूटा है,
कोई बात नहीं, लेकिन ये स्कल्पचर, ये स्कल्पचर, ये स्कल्पचर, ये जो अभी बोले हैं कि एक आर्टिस्ट ही एक स्कल्पचर को डिस्क्राइब कर सकता है, तो मैं इसको डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, आर्टिस्ट हूँ ही नहीं, मैं इस फैकल्टी में नहीं पढ़ता हूँ। फिर भी ये जो फैकल्टी है आपकी, विजुअल आर्ट्स फैकल्टी, दृश्य कला संकाय, एकदम अट्रैक्टिव चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। एक इस फ्रंट गेट को आप देख करके पहचान सकते हैं, इसमें कौन सा, ये कौन सा प्लांट्स लगे हुए हैं इसमें, पता नहीं क्या बोला जाता होगा इसको, लेकिन कितना अच्छे से लगाया गया है, एकदम मतलब गजब चपका दिया गया है, पूरे चपक गए कि अपने आप लग के ऊपर गए होंगे ना धीरे धीरे। हाँ। धीरे धीरे आपने, मैंने तो ऐसी आकृति, मतलब ऐसी बनावट, नेचुरल बनावट पेड़ की आज तक नहीं देखी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पेड़ है, जो पौधे लगे हुए हैं, पूरा पौधा एक्वायर कर लिया है इस पूरे स्क्रीन को, स्क्रीन बोले तो ये जो आगे का पार्ट है पूरा उसको एक्वायर कर लिया गया है। सामने गमले लगे हुए हैं, ये लॉन, एक बार 360 डिग्री हम लोग घूमते हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे, घूमेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। तो आप इधर घूमिए धीरे से, पूरा ऐसे दिखाते हुए एक बार, तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो ऐसे पेड़ होते हैं, मतलब लगभग इनको बोनसाई बोला जाता है, बहुत महंगे आते हैं और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। कोई भी छात्र नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे गोगो नाम है इसका, पता नहीं, गोगो नाम का कुत्ता था एक यहाँ पर, नहीं अब फैल गया ये, मतलब सहलाते ही फैल जा रहा है पूरा। कुछ स्कल्पचर जो यहाँ पे भी लगे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये एक बांस टाइप का लगा हुआ है, देखने में तो बांस ही लग रहा है, लेकिन अब पता नहीं, माफ करना, लीफ है। ये स्कल्पचर एक बार देखिएगा, ये सब कैसे हाथों से, मतलब छीनी है, बड़ी फेस है और ये दाढ़ी, फेस है, ये दाढ़ी है, चाइना या जापान के किसी आदमी को बनाया गया है ना। आगे तो सोच रहा है वो, हमें कुछ ये ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे रोडों पे भी आकृति देख सकते हैं, मतलब पेड़ पौधे, दीवार, रोड, इन्वायरमेंट, सब में आर्ट है। मतलब ये पूरा एकदम माहौल बना दिया गया है यहाँ पे आर्ट का, और काफ़ी अच्छी बनावट है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, चश्मा लगा के बताता हूँ। ये जो फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट है, इसमें एडमिशन होता है UG, PG, रिसर्च, डिप्लोमा भी होता है। तो चारों चीजों की जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। यूजी में क्या होता है कि यूजी में तीन पेपर होता है, एक थ्योरी होता है, दो प्रैक्टिकल होता है। हम अब बस यूजी की बात कर रहे हैं, यूजी में प्रैक्टिकल होता है दो, थ्योरी होता है एक। थ्योरी कितने नंबर का होता है भैया? 150 नंबर का थ्योरी होता है, 150 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 150 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। मैं दो बार बोला 150 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसका मतलब 300 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 150 नंबर की थ्योरी होती है। और कट ऑफ आपको कितना लाना होगा लगभग, तो हो जाएगा 450 में आपका आ जाएगा, अगर 300 450 में 300 आ जाएगा तो मतलब यहाँ पे हम लोग एडमिशन ले लेंगे आराम से। 450 में 300 मतलब काफ़ी, क्या लगता है ये मिनिमम है कि मैक्सिमम आप नंबर बताए हैं? एवरेज है। मतलब इतने बैड में टॉप नहीं कर सकता। मैं टॉप किया था, 300 समथिंग था मेरा, 300 समथिंग था, काफ़ी पुराना भी समय था ना वो। हाँ। आज के 6-7 साल पहले, 5-6 साल पहले बनते हैं, 250-260 तक भी मेरिट बने हुए हैं। तो आपको मैं बता रहा था, थ्योरी पेपर होता है एक और प्रैक्टिकल पेपर होता है दो। प्रैक्टिकल पेपर दो कैसा होता है, एक प्रैक्टिकल पेपर में आपको स्टिल लाइफ बनाने की ज़रूरत होती है,
थ्योरी पेपर में आपको बस थ्योरी समझ सकते हैं, 150 में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस सब मतलब सब कला से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और आपको जवाब देना होगा। उसके लिए आप तैयारी करिए। और प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए लोग तैयारी करते हैं, घाटों पर बैठते हैं, बीएचयू में कहीं कहीं अलग अलग जगह बैठते हैं, लोग एक दूसरे के यहाँ कोचिंग करते हैं। कोचिंग मैंने एक कोचिंग का रिव्यू किया था, आपको पसंद आया तो आप करिए, ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बात बताऊँ आपको प्रैक्टिकल के दूसरे पेपर का, एक पेपर तो आपको स्टिल लाइफ हो गया, दूसरा पेपर आपका हुआ मार्केट, मतलब आपको एज्यूम करना होगा कि आपको कुछ भी ऐसा फिगर दिया जाएगा रिटेन फिगर, कि आपको एज्यूम करना होगा, एज्यूम करके बनाना होगा। तो वो चित्र आप बनाइए, बेस्ट हुए तो आप सेलेक्ट किए जाएंगे। धांधली भी बहुत होती है, कुछ लोग हमारे कमेंट सेक्शन में भी ये लिखते हैं कि सर इतनी धांधली होती है, इस बार भी होगी या नहीं होगी। माफ़ करना भाइयों बहनों, नहीं बता सकता धांधली होगी कि नहीं होगी, क्योंकि फैकल्टी निराला है, बीएचयू सबसे निराला, और यहाँ के प्रोफेसर भगवान भगवान इतने ऊपर हैं कि उनकी पहुँच मतलब हम पहुँच नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, धांधली को देखते रहेंगे, देखेंगे यहाँ पे किसकी नाकामयाबी अभी बार बार दिखती है। शिक्षा में अगर कोई किसी का हक छीनता है तो समझ जाइए उसके साथ बहुत बुरा होता है। शिक्षा और भूख, इससे किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। ऐसे स्कल्पचर हर जगह रखे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये मुझे लगता है कि ये गमला है, गमला एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और उसमें से पानी, अब इतना बारीकी से ये बना हुआ है, जैसे लग रहा है कुछ चू रहा है, यहाँ से पानी की तरह ये टपक रहा है नीचे। दोस्तों इधर ये एक आर्ट बनाया गया है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ के पेड़ भी जो है एकदम रियलिस्टिक आर्टिस्ट लग रहे हैं। हर दीवारों पे मतलब यहाँ के छात्र थोड़ा सा भी जगह पा जाते हैं, दीवार पे आर्ट बना देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोडों पे पूरी डिज़ाइन बना के रखे हुए हैं। पीछे इधर जाने का कितना रास्ता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आगे बहुत मतलब गजब गजब की चीज़ें रखी हुई हैं आगे, मतलब अब चलिए देखिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, देखते हैं आगे क्या रखा हुआ है। मास्टर्स, हम लोग ने ग्रेजुएशन की पूरी बातें की थी अभी आपसे, कि ग्रेजुएशन में लगभग कितने कोर्सेज हैं, किस किस चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बैम्बू आर्ट है क्या भैया? इंस्टॉलेशन आर्ट बोलते हैं इसको, इंस्टॉलेशन आर्ट। हाँ, कुछ वेस्ट चीज़ों को ऐड करके कुछ बना देना। क्या डिपिक्ट करता है ये? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया आज तक। बस मतलब सिर्फ ये ऐसे ही लगा हुआ है। हाँ, वही मैंने बताया ना कि जो बनाता है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता है, मतलब आर्ट का मजा लीजिए आप। इतने जो स्कल्पचर यहाँ पे रखे हुए हैं ऐसे, हाँ, ऐसे ये शोकेस टाइप के, मतलब ये यहाँ पे कौन रखता होगा, कौन बनाता होगा इसको? ये स्टूडेंट बनाते हैं, और ये काफ़ी भारी होते हैं तो नहीं ले जा पाते हैं, तो रखा होता है यहाँ पर, कुछ लोग ले के चले जाते हैं। हम लोग अभी फैकल्टी के अंदर हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग फैकल्टी के अंदर हैं, और ये जो भी चीज़ है ये हैंडल लगा हुआ है, लेकिन ये उठा नहीं सकते इसको। हैंडल में क्या बताऊँ, आप शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जहाँ पे नज़र जा रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ एकदम शानदार चीज़ बनी हुई है, मतलब गजब सी एक शानदार चीज़ बनी हुई है। ये इनको ये दिखाई दे रहा है कितना शानदार लग रहा है। एक बाहर जो हम लोगों ने एक आपको स्कल्पचर दिखाया था, जिसके मतलब ये दाढ़ी थी, अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ये नॉर्मल पोर्ट्रेट ही है। दोस्तों ऐसे देखिए कितना लंबा लॉबी है, बहुत बड़ा ये, मतलब हम लोग मेन गेट बंद होने की वजह से थोड़ा सा घूम के आए हैं, और आप देख सकते हैं कितना लंबा दूर तक हमें जाना है। इधर भी कैनवस लगा हुआ है, कैनवस एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं इनको।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक मतलब एक आईआईटी जितना मेहनत हमको लगता है इसमें करना होता है। आईआईटी के लिए 2 पेपर देना होता है, इसके लिए 3 पेपर देना होता है, और सभी बीएचयू में साधारण कोर्सेज के लिए सिर्फ 1 पेपर देना होता है। ये आप देख सकते हैं, हर दीवार को रंग दिया गया है, हर खाली जगहों को भर दिया गया है, हर पेड़ को सजा दिया गया है, जैसे वो पेड़ देख रहे होंगे उस पेड़ को भी सजा दिया गया है। और भी मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखाऊंगा, काफ़ी हिडन मतलब कोने में घुस घुस के डिज़ाइन किया गया है। आपको मैं इधर दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये सब जो आर्ट है यहाँ से बनाते बनाते लोग सीखे हैं और घाटों पे, बनारस के गलियों पे, हर जगह इम्प्लीमेंट किए हैं। अब ये काफ़ी दूर तक है, और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, आप इधर आइएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। सांप वाप तो नहीं होगा इधर? ये लकड़ी का बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है, और ये इसको रिलीफ वर्क बोलते हैं। रिलीफ वर्क क्ले में बना हुआ है, पकाया हुआ है ये। अच्छा, क्ले में बना हुआ है ये डिजाइन है, ये हाथों से बनाना होता है कि कोई प्रिंटिंग चीज इस पे रख देते हैं तुरंत? हाथों से ही बनाते हैं लोग, मतलब इसको हाथों से काट काट करके बनाया गया है। काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग जो है आप यहाँ पे आपको मिलेगी, मतलब काफ़ी शानदार शानदार चीज़ें आप देख सकते हैं। किसी एक सीरीज की चीज़ें हैं ये जो टूट गई हैं। दोस्तों मेरा दोस्त यहीं पे है, मैं आपको उससे मिलाऊंगा, उसी को देख करके मैं यहाँ पर आया हूँ। ये कैसा लगा आपको ये मेरे दोस्त को देख करके? कितना ये मतलब आप देख सकते हैं, ये इस पर रखा हुआ है एक ये 6-pack एप्स, लेकिन इसका चेहरा लोग बनाना शायद भूल गए। इस चेहरे को उठा करके इस पर लगा देंगे तो हाँ, अलग अलग बॉडी पार्ट के मॉडल स्टडी कराए जाते हैं। चिकन विनर चिकन डिनर, तो ये चिकन आपके ये चिकन है, चिकन अगर किसी को भी खाना है तो आप बताइएगा, मैं उसको वहाँ तक पहुँचा दूंगा। एक मेरा दोस्त यहाँ पे और है जो हमसे छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसको लोगों को दिखाएंगे। यहाँ रहा मेरा दोस्त, काफ़ी भयानक दोस्त है भाई, देख रहे हैं इसके आँखों में थोड़ा सा वो करिए, एक रियलिस्टिक मतलब नशा है खुमारी, एक अलग चेहरे पे, मतलब जिसने भी ये इसको बनाया मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, खुश भी है यहाँ पर, काफी खुश है, जैसे लगता है अभी किसी नई लड़की को देखा है। बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन चेहरे पे खुशी और मतलब ताजगी एकदम टाइट है अभी भी। चेहरे से क्या बताऊँ, चेहरे से लोग जज करते हैं, तो चेहरे से ये एक नंबर है। और ये देखिएगा, लोग जान डाल दे रहे हैं ना, ये देखिएगा, ये इसको मैं हिलाऊंगा तो ये टूट सकता है। ये रूठी हुई है क्या? इससे इसको पास में रख दो, इसको इसके ऊपर रख दिया जाए भैया, गोदी में। इसको तो मैंने डिसआर्म कर दिया, पहले से टूटा हुआ था ना, पहले से टूटा हुआ था, लेकिन कितना प्यार करती है इसको। फोन चला रही है, ये सो रहा है, आप देख सकते हैं ऐसी आकृति यहाँ पे बनी हुई है। आइए मैं आपको और भी ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कितना नीचे झंखाड़ है, कितनी मेहनत करनी पड़ी, आप देख सकते हैं। और झंखाड़ के अंदर भी आर्ट बना हुआ है, हर जगह आर्ट बना हुआ है। तो दबा करके लाइक करिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लोग दरअसल क्या करते हैं कि 5-5 मिनट का, 6 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो डाल देते हैं पूरे कैंपस का दिखा करके, लेकिन हम यहाँ पर कुछ अलग कर रहे हैं। अलग क्या कर रहे हैं कि आपको हर एक फैकल्टी का वीडियो दिखा रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट का वीडियो दिखा रहे हैं, और ऐसे ही दिखाते चले जाएंगे। देखिए ये है सिस्टम यहाँ का, मतलब अभी अंकल यहाँ इनके मिले थे, अंकल ने पूछा कौन है, कहाँ से आए हैं, वीडियो तो पहचान गए अंकल। पहचानने के बाद बोल रहे हैं कि क्या पढ़ाई लिखाई होगी, साल भर से बंद है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है।
तो आप आइएगा तो इसको रिकवर मतलब कवर करने की कोशिश करिएगा, ये जो एक साल है वो गैप लगे ना कि BHU ने कुछ नहीं किया। आप आइएगा ज़रूर, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करिएगा। ये लाइब्रेरी है यहाँ की, ग्रंथालय। इस लाइब्रेरी में दरअसल क्या है, इस लाइब्रेरी को दिखाइएगा, अंदर लाइब्रेरी में क्या रखा होगा, बुक रखी होंगी। हाँ, सारी किताबें हैं, सब विजुअल आर्ट। कंप्यूटर देते हैं इन लोग को अंदर? कंप्यूटर सिर्फ किताबें अंदर हैं, सिर्फ किताबें हैं। तो दोस्तों हमने ये जो अभी आपको दिखाया वो पूरा उधर जा करके दिखाया, अब उधर तो दिखा ही चुके हैं और इधर आने वाले हैं। हर जगह स्कल्पचर रखा हुआ है, हर जगह स्कल्पचर रखा हुआ है, देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अरे यार, मुझे लगा ये सांप के बच्चे हैं पूरे। नहीं नहीं देखिए दब मन, ये देखिए ये हार्ट है, पत्थर का दिल, पत्थर के सनम हमने तुमको, आप देख सकते हैं ये पत्थर का दिल है तो लेकिन ये टूटेगा नहीं। यहाँ पे सुनता हूँ आर्ट जो लड़कियाँ सीखने आती हैं उनका भी दिल पत्थर का ही होता है, क्योंकि वो बनाते बनाते उसी में ढल जाती हैं। तो ये उनमें उनका गलती नहीं है, उनको सिखाने सिखाने वाले इस फैकल्टी गलती है। कोरोना हो गया क्या? देखिए ये अगर अगर देख सकेंगे तो कॉफ़ी पीने के लिए सबसे बेस्ट है, मतलब आप ऐसे बैठेंगे और यहाँ पे अपना चश्मा रखिए, कॉफ़ी रखिए, सामने गर्लफ्रेंड बहन भी बैठ सकती है, सर भी बैठ सकते हैं आपके, गुरुजी को पहला तवज्जो देंगे, लेकिन गुरुजी बैठेंगे नहीं आपके साथ कभी। गुरुजी 1000 रुपये की कॉफ़ी से नीचे कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो ये है, ये देखने में मुझे लगा दूर से कि ये पेड़ है, ये कोई ट्री है जिसको काट के बनाया गया है। नहीं नहीं, ये एक महान आर्टिस्ट हैं बंगाल के, हाँ, रामकिंकर बैज, जिनके नाम पे हॉस्टल भी। अच्छा, रामकिंकर ने ये बनाया है? हाँ, उन्हीं की कृति है ये। अच्छा, रामकिंकर तो गायब हो गए ना एकाएक? हाँ, पता नहीं उनका, पता भी नहीं चलता है। वो फॉरेन गए किसी काम से और वहीं पे गायब हो गए। हाँ, लोगों का कहना तो यही है कि वो फॉरेन गए और फिर मिले नहीं किसी से। ये वर्ली पेंटिंग है ना? नहीं, ये कुछ बच्चों ने बना दिया है बस। वैसे ये वर्ली पेंटिंग है ये। रामकिंकर का मतलब ये था कि उन्होंने, इतने बड़े आर्टिस्ट थे, उनको किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की? क्यों नहीं, उनके फैमिली वाले तो खोजे ही होंगे ना, उनकी पत्नी थी वो भी आर्टिस्ट थी। वहाँ पे चल के वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। उनकी पत्नी भी आर्टिस्ट थी? हाँ। तो मतलब वो फॉरेन से गायब हुए, क्या सुनने में तो यही मिलता है। देख रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे फेंकी हुई हैं, गिर गई हैं, और वहाँ पे वो भरतनाट्यम कर रही हैं मोहतरमा। इतनी स्वीट, सो स्वीट, शी इज स्माइलिंग। किसी ने मेकअप करने का ट्राई किया है ना, पर डरावना हो गया है। आर्ट है, कुछ भी होता है। चिड़िया की आवाज़ कितनी अच्छी है यार ये। मुझे लगता है ऐसे 2-3 साल तक फैकल्टीज नहीं खुलेंगी। हाँ, तो सारी मूर्तियाँ उठ जाएंगी, सब गिर गई हैं, मतलब इनको संभालने वाला लगभग कोई नहीं है, सब गिरी पड़ी हैं इधर उधर। मैं इतना अंदर अंदर इसलिए घुस रहा हूँ क्योंकि मुझे दूर से कुछ अच्छी चीज़ें दिख जा रही हैं। जैसे देखे वो चीज़ें मुझे दिखी हैं, आइए मैं गुल्लक दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक गजब के तरीके का गुल्लक है ये, पास जा करके उसको दिखाइएगा। दिल बना हुआ है इस पर, दिल बना हुआ है, उसमें से पैसा डालिए, आजकल पैसे से ही दिल चल रहा है, क्या बताया जाए। अब यहाँ से वो दिख रही है पूरा, जो हम लोग जिधर से आए हैं ये वो सीन है। और एक चीज़ और दिखाते हुए मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा, ये
ये तो लग रहा कोई चाइनीज बच्चा रो रहा है ना। चाइनीज बच्चा रो रहा है, कितना मतलब शानदार है, मारूंगा इसे। अंदर चला। तो ये है बच्चा, हम भी बच्चे के साथ बच्चा बन गए, लेकिन बच्चा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं बच्चा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। वाह, पका हुआ क्या? पका हुआ नहीं है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पका हुआ ये बिल्कुल नहीं है। एक सबसे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गजब की आपको मैं आकृति दिखाने वाला हूँ, आप सोच नहीं पाएंगे। मतलब मैं अभी आपको जो जो दिखाऊंगा आप सोच नहीं पाएंगे। आइए दिखाता हूँ। लोहे का बना हुआ है। अच्छा, ये लोहे का बना हुआ है तो इसको स्कल्पचर तो नहीं बोलेंगे? नहीं, क्यों नहीं, फिर भी स्कल्पचर बोलेंगे। हाँ, मटेरियल चेंज हो रहे हैं बट है तो स्कल्पचर ना। मीडियम चेंज है लेकिन मीनिंग एक ही है। हाँ हाँ, बस उसमें दो तीन तरह के होते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं। दोस्तों ये अभी बन रहा था लेकिन लॉकडाउन लग गया। मछली फिश आई लाइक फिश। मूड़ी कटरा बाबा का यहीं से बन के गया था क्या स्कल्पचर भैया? नहीं यार, ये कोई फैक्ट्री थोड़ा नहीं है कि मूड़ी कटरा बाबा को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मूड़ी कटरा बाबा। हाँ, फैक्ट्री है, आर्ट स्टूडेंट की फैक्ट्री है, यहाँ से आर्ट स्टूडेंट निकलते हैं। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये हैंडमेड प्रोडक्ट है ये। हाँ, ये इसको मोजाइक बोलते हैं, मोजाइक पेंटिंग। मोजाइक, हाँ, जिसमें छोटे छोटे पत्थरों को या छोटे छोटे चीज़ों से। तो ऐसा तो हम लोग घर में भी मतलब लगवा सकते हैं इसको बनवा करके ना। हाँ हाँ, एकदम एक शानदार सी आकृति लगेगा मोहन जोदाड़ो की तरह। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नग्न फोटो। एक कलाकार आपको सब कुछ दे सकता है जो आपको चाहिए। आप आंख बंद करके जो भी सोचेंगे वो एक कलाकार बना सकता है। कैमरे के पीछे भी एक कलाकार है, मतलब इसी विजुअल आर्ट फैकल्टी से पढ़े हुए हैं ये। ये मेरा दोस्त है, ऐसे खड़ा है, ऐसे आप देख सकते हैं पेट और सीना इसका अंदर है। अरे ये तो पैंट भी नहीं पहना है यार। अरे यार, मैं दूर हो गया उससे। देख रहे हैं, काश जो कलाकार हैं वो सकला का बूम बूम होते। ये क्या गजब का मतलब गमला है, देखो ना, गजब गजब लगाया गया है इसको अलग तरीके का। ये इसमें भी एक गमला है, उसको भी अलग लगाया गया है। इसमें जो प्लांट निकला हुआ है काफ़ी बढ़िया है। ये जब मैं यहाँ पे था, हाँ, तो एक सीनियर, मतलब वैसे तो टीचर्स अप्रोच करते ही हैं कि हर तरह की आकृतियाँ बनाई जाए, लेकिन एक सीनियर थे हमारे, वो काफ़ी इस तरह का काम किया करते थे और स्टूडेंट भी काफ़ी सीखे उनसे। सीनियर से स्टूडेंट सीखे? हाँ नहीं, मतलब टीचर तो बताते ही हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी काम किया इस पर। अरे तो यही सब सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, बहुत ख़ास हैं। और ये वर्कशॉप है, अंदर लोग बैठ करके काम करते हैं। सामने आर्ट्स फैकल्टी है और सोशल साइंस फैकल्टी है, और हम लोग आर्ट्स फैकल्टी, सोशल साइंस फैकल्टी, इधर भारत कला भवन, इसके सामने आपको मिलेगा म्यूज़िक फैकल्टी। तो मतलब
सब कला एक ही जगह है, आप देख सकिएगा तो देखिएगा एक बार। मैं आपको इधर थोड़ा सा जल्दी से दिखाते हुए लेके इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, काफ़ी लेंदी नहीं बनाना चाहता। रोबोटिक आर्ट है ये, वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया गया है, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके इसको बनाया गया है, और लगभग यही सब चीज़ें यहाँ पे हैं, काफ़ी अच्छी और आर्टिस्टिक। अच्छा इसको ये तो बस ऐसे खोज देने पे जम जाएगा ना, लगता है, पता नहीं मुझे तो लग रहा है कि ये तो, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये पेड़ टूटी हुई डाल में से निकला हुआ है ना, ये पीपल का पेड़ है और डाल में, क्या बात, बहुत शानदार चीज़ें बनी हुई हैं। छोटी छोटी चीज़ें दिखाने लगूंगा तो पूरा एक दिन का वीडियो बनेगा, लेकिन इतना बड़ा वीडियो हमें नहीं बनाना है अभी। तो जो बंद हैं चीज़ें अंदर, पेंटिंग्स हैं, हाँ टेक्सटाइल डिज़ाइन, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, हर एक जगह। ये वेल्डिंग एरिया है, यहाँ पे वेल्डिंग होता है, कास्टिंग होती है। ये इस ग्लास बार इसको दिखाइए तो, ओ इसके पेट में तो तेल होगा यार। तेल से अभी ये उठ करके चलने लगेगा, ज़्यादा बोलेंगे ना तो। बाबा जी की गाड़ी है ये, बाबा जी जो धन्वंतरी चाय की दुकान पे बैठे करते हैं, इसका ये नीचे भी है, जीवित है। अच्छा ये एक बर्ड बनाया गया है इसको, ये हम लोग तो दोस्तों ये था पूरा विजुअल आर्ट फैकल्टी, इसको भी आप देख सकते हैं एक बार। मतलब कोई अगर चाहे तो अपने कंपनी में कोई आयोजित किया हुआ है कोई ऐसा कार्यक्रम जिसमें उसको मेडल देना है तो ऐसी मछली है ना जिसकी जिसके सिर्फ हाँ पीछे वो बची हुई, मतलब आप देख सकते हैं ये मछली है, हड्डियां बची हुई हैं। आप ऐसी ऐसी रियलिस्टिक चीज़ें बना करके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसको बनवाने के लिए आप विजुअल आर्ट फैकल्टी के छात्रों को संपर्क करिए, संपर्क करने से ये होगा कि आपको भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आप जिसको गिफ्ट देंगे वो पूरे मतलब जीवन भर उसको रखेगा, अच्छे से रखेगा। और हम क्या चाहते हैं कि अगर आपके लिए कोई भी काम हो तो आप बताइए, सब लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। मास्टर्स में यहाँ पे मैंने आपको ग्रेजुएशन की सारी चीज़ें बता दी थी, मास्टर्स की चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। मास्टर्स में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं यहाँ से मास्टर्स करने के लिए, मास्टर्स एक लॉबी ये भी है, इस लॉबी में भी कुछ है नहीं खास, फिर भी बहुत कुछ रखा हुआ है। तो मास्टर्स का बताइए भैया, सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पे, जैसे बैचलर में वैसे मास्टर्स में भी है। तो मास्टर्स में कितने सब्जेक्ट हैं टोटल? पूरे 5 हैं डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट हैं। हाँ 5 डिपार्टमेंट, अलग अलग फॉर्म में, मतलब अलग अलग फॉर्म भरा जाता है सबका। हाँ फॉर्म एक ही होता है उसमें, और डिपार्टमेंट जब फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें रहता है, मेंशन करना होता है। हाँ और कि आप किस, सबका अलग अलग तरह से होता है एग्जाम, एग्जाम भी सबका अलग अलग होता है। हाँ उसका कितने नंबर का एग्ज़ाम होता होगा उसका? हमेशा चेंज होता रहता है, मैं तो 6-7 सालों में। 5 सब्जेक्ट, फटाफट नाम क्या है ये बता सकते हैं आप दर्शकों को? हाँ मूर्तिकला विभाग है, हाँ जो स्कल्पचर अभी आप देख रहे हैं बाहर, हाँ और आपका पेंटिंग है, पेंटिंग 3 हो गया, हाँ 2 होगा ना, 2 अच्छा मूर्तिकला स्कल्पचर हुआ, हाँ पेंटिंग हुआ, हाँ पॉटरी सिरामिक हुआ, पॉटरी डिजाइन, हाँ 3 हुआ ना, 3 हो गया, अप्लाइड आर्ट 4 हो गया, और एक टेक्सटाइल डिजाइन, हाँ टेक्सटाइल डिज़ाइन में क्या करते होंगे जो कपड़े पे बुनाई करते हैं? हाँ कपड़े पे बुनाई, उसकी डिज़ाइन, अच्छा उसको हम लोग मतलब उसमें ही लेते हैं, वो एक पेंटिंग का ही पार्ट है, वैसे वो पेंटिंग विभाग के अंतर्गत आता है, पेंटिंग विभाग के अंतर्गत आता है, हाँ लेकिन उनके प्रोफेसर अलग हैं। और पॉटरी और सिरामिक भी जो है प्लास्टिक आर्ट के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, मूर्तिकला विभाग आता है और पॉटरी और सिरामिक आता है, अप्लाइड आर्ट अकेला है जिसके अंदर जो क्या हुआ। इसका हॉस्टल
फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट का हॉस्टल बाहर निकले थे। इसका क्या नाम है चाचा? मोटू 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 मोती गोगो गोगो चला गया क्या? मर गया ना मोटू। वाह वाह मोटू वाह मोटू। अगर आप इस फैकल्टी का हॉस्टल है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल और राम किनकर हॉस्टल, तो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल का ब्लॉग आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। और BHU के हॉस्टल के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें बिरला और LBS को कवर किया गया है। आपका जो भी रिक्वेस्ट होगा बताइएगा, हम उसको कवर करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है मोटू, मोटू काफ़ी मोटू है और काफ़ी अकेले बैठा रहता है। अरे लोग इसे बहुत प्यार करते हैं, इस लॉकडाउन में भी इस फैकल्टी में आकर के खिला जाते हैं। हाँ तभी ना टाइट है ये। हाँ तू मोटू मोटू आते हैं ना? बताइए अंकल भी आते हैं यहाँ पर, यहाँ के सुरक्षा वाली चीज़ें देखते हैं। अभी इनका ड्यूटी पूरा हो गया है, वो इधर आओ इधर आओ। इसी हिसाब से फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट इधर को हमने कवर किया और सब कुछ कवर हो गया लगभग। आपको अगर आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो भी हैं, इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड यू कैन आस्क एकदम इमीडिएटली फ्रैंकली इंडिपेंडेंटली आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा भरने की कोशिश करेंगे क्योंकि कमेंट सेक्शन में वही चीज़ें रहेंगी जो चीज़ें छूट गई हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे ताकि सब जा कर के हम इसको पूरा अल्टीमेटली एकदम कवर कर सकें। तो इसी तरीके से हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा चलता है। जय हिंद जय भारत।